हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, हाउ टू बाय आज मैं आप सबको वेलकम। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं एक पावरफुल एयर ब्लोअर की वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। ये जो है वो एक होममेड एयर ब्लोअर है और ये काफ़ी फ़ायदेमंद मेरे लिए साबित हुआ है। इससे मैं अपने कंप्यूटर को इजीली साफ़ कर सकता हूँ। इसके अलावा टेबल पर जो डस्ट वगैरह होती है उसको इजीली साफ़ किया जा सकता है, और कुछ ऐसी जगहें जहाँ पे झाड़ू का या हाथ से सफाई करना मुश्किल होता है तो उसको इस एयर ब्लोअर की मदद से आसानी से साफ किया जा सकता है। तो ये एयर ब्लोअर मैंने कैसे बनाया है, कितनी कॉस्ट में ये मुझे पड़ा है और ये कितना फ़ायदेमंद साबित हुआ है और ये कितनी पावर कंज्यूम करता है, सबकी डिटेल्स जो आपको इस वीडियो में इंशाल्लाह मिलेगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस वीडियो को लास्ट तक देखें, इंशाल्लाह बहुत कुछ लर्न करने को मिलेगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमने ये पावरफुल एयर ब्लोअर को कैसे बनाया। अच्छा, इस प्रोजेक्ट में जो हमारे पास आइटम्स यूज़ हो रहे हैं उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले एक हमें डीसी मोटर चाहिए 12 वोल्ट की, इसकी स्पेसिफिकेशन भी अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ। उसके अलावा ये 2x1 इंच का बुश है पीवीसी का, 2 इंच का पीवीसी का कैप है, 1 इंच के पाइप के पीस का छोटा सा टुकड़ा है, तकरीबन 1 इंच का या 1.5 इंच का चलेगा। एक जो है वो ऑन ऑफ का स्विच है, और ये 3/8 का कॉपर का पाइप है तकरीबन 5 से 6 इंच लंबा, और एक जो है वो 10 का डब्बा है, नॉर्मली जो भी दूध का डब्बा वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन आइटम से जो है हम अपना एयर ब्लोअर बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं थ्योरी इसकी आप लोगों को समझा दूँ एयर ब्लोअर की। सबसे पहले हमें मोटर जो सेलेक्ट करनी है वो हाई आरपीएम की होनी चाहिए, 10,000 RPM या उससे ज़्यादा की, क्योंकि ब्लोअर में हमें हाई स्पीड चाहिए होती है मोटर बहुत। तो उसका कुछ इस शेप में जो है वो ब्लोअर बनता है, और एक तरफ जो है वो उसके फ़ैन लगा हुआ होता है, और वो फ़ैन जो है वो यहाँ से एयर को जो है वो खींचता है और इस यहाँ पे एक नोज़ल के थ्रू जो है वो एयर को यहाँ से फेंकता है यानी कि डिस्चार्ज करता है। तो इसकी जो मिनिमम स्पीड होनी चाहिए तकरीबन 10,000 RPM तो होनी चाहिए, 10,000 स्टार्टिंग होनी चाहिए, 15,000 तक जो है वो इसको ले जा सकते हैं हम, तो हमें अच्छा रिजल्ट जो है वो एयर थ्रो का मिलेगा। मोटर जो है वो हम यहाँ पर 12 वोल्ट यूज़ करेंगे। मोटर की डिटेल मैं आप लोगों को बता दूँ, ये जो है वो मैं मोटर यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। ये मोटर का मॉडल भी आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये RS545 मोटर है, ये मैंने यूज़ में ली है, यहाँ पे लोकल हमारे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट से मुझे मिल गई है 150 रुपये की, और इसके RPM जो है तकरीबन 16,000 RPM इस मोटर के हैं, तो ये जो है बिल्कुल आइडियल है इस प्रोजेक्ट के लिए। अच्छा, फर्स्ट स्टेप ये है कि इस मोटर को हमें ये 1 इंच वाले ओपनिंग में हमें यहाँ पर फिक्स करना है। अब ये जो है वो मोटर का डाया थोड़ा सा बड़ा है इससे, ये हम देख लेते हैं कितना बड़ा है। इसका जो डाया है वो तकरीबन 33 mm का है और मोटर का जो डाया है वो 35.5 mm का है, 35.6 mm का, तो 1.5 mm का फ़र्क है। तो कोई इसको इशू नहीं है इसमें लगाना, जस्ट हमें इस पीवीसी को हीट करना है तो ये नरम हो जाएगा और ये इजीली मोटर इसके अंदर चली जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं आसानी से जो है वो इसके साथ ये फिट हो गई है, बहुत मजबूती से ये फिट हो गई है, क्योंकि जब ये गर्म होता है तो ये नरम हो जाता है प्लास्टिक, और जब ये दोबारा ठंडा होगा तो ये कड़क होकर इसको पकड़ लेगा। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो इस टिन के डब्बे को काटना है। ये ऑलरेडी मेरे पास एक कटा हुआ पीस मौजूद था तो मैं इसी को इस्तेमाल करूँगा। ये हमें बेसिकली नीचे की लिड चाहिए इसकी, तो इसको मैं टिन कटर की मदद से काट लेता हूँ। आप देख सकते हैं हमने निकाल लिए, और अब जो है वो नेक्स्ट स्टेप ये है कि ये जो इसके अंदर का डाया है इसके हिसाब से हमें इसका ये सर्किल काटना है। ये 53 mm का डाया है तो मैं 53 mm से कम यानी कि 50 mm तक जो है वो ये काटूंगा इसको। अच्छा, ये मैंने सर्किल फॉर्म में इसको काट लिया है और यहाँ पे सेंटर में मैंने 3.2 mm का एक होल भी कर दिया है ताकि ये मोटर की जो शाफ्ट है ये इसमें जा सके। अच्छा, अब जो है वो इसके हमें ब्लेड्स बनाने हैं जो कि हवा को खींचेंगे, एक तरफ से सक्शन करेंगे दूसरी तरफ से हवा को थ्रो करेंगे। तो उसके लिए जो है मैं इसको 400 में डिवाइड करता हूँ सर्किल को। अब इसको ये पहले हिस्से से हमें ये एक आर्क बनानी है जो कि दूसरे हिस्से पे आके रुकेगी।
इसी तरीके से यहाँ से आर्क बनानी है, शुरू करनी है, तो यहाँ आके रुकेगी। तो इस फॉर्म में हमारा कुछ ये ब्लेड बनेगा। अच्छा, इस तरह के अब हमें ब्लेड्स बनाने के लिए अब हम दोबारा इस टिन का इस्तेमाल करेंगे। मैं इसमें से टिन की पट्टियाँ निकाल लेता हूँ। हमें बेसिकली चार पट्टियाँ चाहिए होंगी, तो इधर एहतियात से ये काम करना है क्योंकि ये ज़रा शार्प एजेज होते हैं टिन के, तो एहतियात से काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पे किसी भी जो है वो मोटे मार्कर की मदद से जो है वो मैं इसको बैंड करूँगा। मतलब इस तरह बैंड करना है कि ये इस शेप में आ जाए। आप देख सकते हैं इस शेप में आ गया। अच्छा, अब ये चारों पट्टियाँ मैंने निकाल ली हैं। अब इसको जो है वो सोल्डर करना है हमें। सोल्डर से जो है ये जॉइंट हमें मिलेगा सही, तो मैं इसको इस तरीके से लगा देता हूँ और इस क्लिप की मदद से जो है वो मैं इसको रोक देता हूँ। मैं यहाँ पे 60 वॉट का सोल्डरिंग आयरन यूज़ कर रहा हूँ ताकि ये अच्छी तरीके से हीट हो जाए। ये आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से सोल्डर हो गया और ये अच्छी तरीके से ये स्ट्रॉन्गली जॉइंट लग गया है। ये मेरे हिलाने से भी नहीं हिल रहा है। और इसी तरीके से जो है ये अब मैं बाकी ये तीन जो है जो पट्टियाँ हैं वो भी इस पे सोल्डर कर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये चारों जो है वो मैंने अच्छे तरीके से सोल्डर कर दी हैं और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, ये मूव नहीं कर रहे। तो अब जो है वो मैं इसको मोटर के साथ सोल्डर करना है। तो ये इस मोटर के साथ सोल्डर हुआ, इसका तरीका भी ये है कि यहाँ पे मैं एक रबड़ की जो है वो एक वॉशर डाल लूँ ताकि ये इसकी जो ये ब्लेड है ये इससे जो है हमारी हाउसिंग से टच ना करे, तो ये ऊपर रहे। तो यहाँ पे मैं ये लगा के और ये इस तरीके से यहाँ पे इसके साथ अब मैं इसको सोल्डर कर दूँगा मोटर की शाफ्ट के साथ। ये आप देख सकते हैं इस शाफ्ट को मैंने इस ब्लेड के साथ अच्छी तरीके से सोल्डर कर दिया है। मैं इसको चला के भी दिखा देता हूँ। इस छोटी बैटरी से प्लस की जगह प्लस लगा दिया और ये माइनस की जगह माइनस। ये आप देख सकते हैं कितना तेज़ घूम रहा है ये इस छोटी बैटरी से। अच्छा, अब ये 2 इंच की जो एंड कैप है इसमें मैं होल करूँगा 18 mm का। अगला स्टेप ये है कि इस कैप को हमें इसके साथ यहाँ पे इस तरीके से लगा देना है और ख्याल ये रखना है कि ये इसके ब्लेड जो है ये उस कैप से यहाँ पे टच ना हो। तब इस कैप को इसमें लगाने से पहले यहाँ पे मुझे एक होल करना है, 9 mm का मुझे होल करना है और ये होल जो है मैं बिल्कुल स्ट्रेट नहीं करूँगा, थोड़ा सा टेपर में करूँगा। ये देख सकते हैं आपको जिस तरीके से टेपर में ये होल हो गया है, यही एक होल इस तरह का मैं यहाँ पे भी करूँगा। अब इन दो होल्स को हमें मैच करना है। इस तरीके से ये दोनों होल मैच हो जाएंगे। अच्छा, इसका जो है वो मैंने होल थोड़ा सा बड़ा कर दिया है इनलेट का। ये पहले 18 mm था, मैंने इसको 25 mm कर दिया ताकि और ज़्यादा हवा जो है वो हम कैप्चर कर सकें। तो अब जो है वो मैं इसको इंस्टॉल करने लगा हूँ कैप को। एक दफ़ा ब्लेड अंदर से चला के देख लें कि कहीं ये फंस तो नहीं रहा कैप से। और अब जो है ये कॉपर का 3/8 का पाइप इसको इंस्टॉल करना है। इसको मैंने ज़रा टेपर में काट लिया है, ये आप देख सकते हैं टेपर पे काटा हुआ है। अब इसको यहाँ पे ग्लू की मदद से रोकना है इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं मैजिक का इस्तेमाल करूँगा। मैजिक इसको जोड़ने के लिए बेहतरीन है। अब हम उसको इस हालत में तकरीबन 10 से 15 मिनट तक ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा, ये जितनी देर में ये ड्राई हो रहा था उसमें मैंने ये रिंग भी लगा दिया इसको ग्रिप करने के लिए इस तरीके से। तो अब मैं इस पर कलर कर देता हूँ। अच्छा, ये जो है वो मैंने इस पर कलर भी कर दिया और उसको मैंने बिल्कुल कम्प्लीट कर दिया यहाँ पर कनेक्शंस करके। कोई इतने मुश्किल कनेक्शन नहीं है, नॉर्मल है। ये एक मैंने एलिगेटर क्लिप्स के साथ केबल ले ली है।
माइनस की जगह माइनस लगा दिया, और प्लस का जो है वो एक मैंने स्विच में दिया, इस केबल का एक प्लस स्विच में दिया, दूसरा स्विच से लेके मोटर के पॉजिटिव में दे दिया। और इस तरीके से हमारी वायरिंग कंप्लीट हो गई, और स्विच को मैंने हॉट ग्लू गन की मदद से यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अच्छा, एक चीज़ जो मुझे बताना रह गई है वो मैं बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो ब्लेड है अंदर, ये अंदर जो ये इसका ब्लेड है, इसकी जो मूवमेंट होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। यानी कि अगर हमारे फिन्स जो है वो इस फॉर्म में इंस्टॉल हुए हुए हैं, तो ये इस फॉर्म में जो है वो घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो ये आपने ख्याल रखना है मोटर के कनेक्शन करते हुए कि मोटर जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमे, तभी ये हमें सही एयर जो है वो थ्रो करेगा। तो मैं यहाँ पे इसको टेस्टिंग भी आपको करा देता हूँ। ये बैटरी के प्लस से प्लस लगा दिया मैंने, और माइनस से माइनस लगा दिया, और यहाँ से मैं स्विच ऑन करता हूँ, तो ये जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। तो अब इसकी हम टेस्टिंग करते हैं। चलिए जी, अब हम इसकी ज़रा टेस्टिंग कर लेते हैं। ये जो है वो वुड की जो है वो डस्ट है, इसको देखते हैं ये साफ़ करता है कि नहीं, कितनी इसकी पर इसका प्रेशर है हवा का। आप देख सकते हैं इसको आसानी से इसने उड़ा दिया है बिल्कुल। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास कुछ लोहे के जो है वो वॉशर हैं, ये इस छोटे से ब्लोअर के लिए काफ़ी वज़न है ये, तो देखते हैं इसको उड़ा सकता है कि नहीं। आप देख सकते हैं इसने इन वॉशरों को भी आसानी से उड़ा दिया है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा प्रोजेक्ट पावरफुल एयर ब्लोअर का। आई होप आप लोगों को प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। और ये बहुत इजीली हमने जो है ये प्रोजेक्ट को बनाया है। और इसकी मैं अभी कॉस्ट की बात कर लेता हूँ, ये अराउंड मुझे तकरीबन 300 रुपीज़ के अंदर अंदर जो है ये पड़ गया है। और ये जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं वो तकरीबन 1500 से 2000 रुपये के अराउंड होते हैं, और वो पावर भी काफ़ी लेते हैं। ऑल दो ये उतनी पावर तो उतनी एयर थ्रो नहीं दे रहे जो मार्केट में होते हैं अवेलेबल, बट इससे हम नॉर्मल अपना डस्टिंग का काम कर सकते हैं। और ऐसी मुश्किल जगह है जहाँ पे झाड़ू जाना है, हाथ जाना मुश्किल है, तो उससे हम इस ब्लोअर की मदद से बहुत अच्छे तरीके से सफाई कर सकते हैं। तो इसकी पावर भी मैं आपको बता दूँ, ये 12 वोल्ट पे तकरीबन 3 एम्पेयर लेता है ये, यानी कि 36 वाट के अराउंड ये पावर लेता है। बहुत ज़्यादा पावर एफिशिएंट भी है, और आपने इसकी जो है वो एयर थ्रो भी देख ली, काफ़ी अच्छी एयर थ्रो है। तो आई होप आप लोगों को प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई तो काइंडली इसको लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा इसको सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह इस तरह की हाउ टू DIY इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को मिलती रहेंगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।